बच्चों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका हिंदी का लांच में मैं सीमा पारिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली कालांश में हमने एक अच्छी सी कहानी सुनी थी और उसका सार भी हमने समझा था और साथ में उससे संबंधित हमने क्या देखा था, हाँ एनिमेशन वीडियो भी हमने देखा था। और हमारी कहानी का नाम तो आप सबको याद हो ही गया होगा अच्छे से, अब्बू खाकी बकरी। तो कहानी का सार हमने सीखा और साथ में हमने जो एनिमेशन वीडियो था उससे संबंधित हमने जो पात्र थे कहानी के उनको हमने देखा और हमें अच्छा भी लगा होगा। तो आज की कालांश में जो हमारी कार्य पुस्तिका है उसकी कार्य पत्रक संख्या 4.1 है, उसके जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप तैयार हैं? सबसे पहले हम वो प्रश्न देखेंगे फिर हम उन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों आपके सामने कुछ प्रश्न दिखाई आपको दे रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको उनको जो उत्तर मैं मौखिक रूप से बोलूंगी आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, अब्बू खां जब चांदनी को लाए थे तब उसकी उम्र क्या थी। उत्तर हमारा इस प्रकार है, अब्बू खां जब चांदनी को लाए थे तब उसकी उम्र 1.25 साल की थी। दूसरा जो प्रश्न है, अब्बू खां बकरियों के प्रति अपना प्रेम कैसे दिखाते थे। अब्बू खां बकरियों के अलग अलग नाम निकालकर तथा उनसे बातें कर बकरियों के प्रति अपना प्रेम दिखाते थे। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है, अब्बू खां किस विश्वास पर छोटी बकरी लाए थे। तो उत्तर इस प्रकार है, अब्बू खां इस विश्वास पर छोटी बकरी लाए थे कि छोटी बकरी शायद उनसे हिल मिल जाए और भागे नहीं। तो बच्चों आपको अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छे से सुंदर सुंदर अक्षरों में बिना मात्रा अशुद्धि के ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है और हम एक बार फिर से हमारी जूम क्लास में इन पर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये उत्तर है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे हमारे दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाओ। तो ये जो प्रश्न है वो बहुत आसान है, इसलिए आपको ये प्रश्न के उत्तर अपने आप से करने हैं। इसके बाद में हम आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार है, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जो ये अनुच्छेद लिया गया है वो हमारा जो पाठ था अब्बू खां की बकरी उसके अंदर से ही लिया गया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अब्बू खां किस धोखे में थे। अब्बू खां इस धोखे में थे कि बकरी भागेगी नहीं। अगर आपने ये गद्यांश अच्छे से पढ़ा है तो उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, चांदनी कौन थी, वह जुगाली करते करते पहाड़ की चोटी क्यों देखती थी। चांदनी एक बकरी थी, वह पहाड़ पर जाना चाहती थी। चांदनी के मैं करते रहने का अब्बू मियाँ ने क्या अर्थ लगाया। अब्बू मियाँ ने अर्थ लगाया कि वह भी जाना चाहे। अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, अब्बू मियाँ ने चिल्लाकर क्या कहा। अब्बू मियाँ ने चिल्लाकर कहा, अल्लाह ये भी जाने को कहती है। तो ये हमारे प्रश्नों के उत्तर थे। तो आशा करती हूँ आप इनको अच्छे से अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। अब दूसरी जो कार्य पत्रक संख्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो
अभी इस कार्यक पत्रक संख्या 4.2 पर हमारा सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार है, अब्बू खान ने चांदनी के लिए क्या अलग इंतजाम किए थे। तो सबसे पहले मैं उच्चारण कर रही हूँ उत्तर का, अब्बू मियाँ ने चांदनी के लिए अलग इंतजाम किए। घर के बाहर कुछ खाली जगह पड़ी थी, उन्होंने उसके चारों तरफ कांटे लगा दिए ताकि कोई आ जा न सके और उसे लंबी रस्सी से भी बांधते थे। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, चांदनी की बेचैनी को अपने शब्दों में वर्णन करो। चांदनी जुगाली करती करती पहाड़ की चोटियां देखती, रस्सी खींचती और दर्द भरी आवाज में मैं करती, ये आपको लिखना है। इसके बाद में जो हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके विचार से क्या अब्बू खान ने फिर बकरी पाली होगी, कारण सहित बताओ। ये मैं अपनी तरफ से उत्तर बता रही हूँ, अगर आपके विचार क्या हैं आप उसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो मेरे विचार से अब्बू मियाँ ने फिर बकरी नहीं पाली होगी, क्योंकि वे समझ गए थे कि सभी को स्वतंत्रता की चाह होती है, इसलिए उन्होंने बकरी नहीं पाली होगी। तो बच्चों ये आपको अपनी कार्य पुस्तिका में 4.1 और 4.2 सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको लेखन कार्य करना है। अच्छे से आपको वीडियो देखना है, अच्छे से आपको उत्तर सुनने हैं, उसके पश्चात आपको अपनी कार्य पत्रक संख्या पूरी करनी है। तो बच्चों अभी हमने हमारी कार्य पत्रक संख्या जो थी उनके प्रश्नोत्तर पर चर्चा की और अब आपको लेखन कार्य करना है जिससे आपकी मात्रा शुद्धि कम होगी और साथ में आपकी जो समझ कौशल है वो भी बढ़ेगी। तो आज के कालांश में इतना ही, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।